गाइज, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माँ भूख लगी है और आज मैं आया हूँ यार पकोड़े की शॉप में। मानसून भी अच्छा हो रहा है, चलो देखते हैं पकोड़े की शॉप में कि क्या क्या पकोड़े मिलते हैं यहाँ पे। 60 इयर्स पुरानी शॉप है वैसे ये। चलो आप ऑनर से बात करके देखते हैं। चलो गाइज, शॉप के ऑनर से बात करते हैं। सर आपका नाम? प्रतीक। प्रतीक डिंगरा। प्रतीक डिंगरा सर, एक्चुअली खानदानी पकौड़े वाले की दुकान है, तो खानदानी पकौड़े वाले कैसे पड़ा इसका नाम? ये ऐसे पड़ गया क्योंकि चार पीढ़ियां हमारी इसमें लग गई तो खानदानी हो गया। सर, मैं जैसा देख पा रहा हूँ यहाँ पे क्राउड इतना आता है, तो आप हैंडल कैसे करते हैं क्राउड को? अपने आप ही हो जाता है, हम नहीं करते, क्राउड खुद ही मैनेज कर लेता है। एडजस्ट हो जाता है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर हो जाता है। सर, अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो कैसे आएगा यहाँ पे? एम से सीधा है, हयात से पहले बढ़ता है। वैसे तो गूगल मैप भी यूज़ कर सकता है, खानदानी पकौड़े वाला डाले तो आ जाए। व्यू भी गूगल पे देखे हैं मैंने आपके, तो वही आपका खानदानी पकौड़े वाले के नाम से। ओके सर, अगर ऑनलाइन भी ऑनलाइन अपना वेबसाइट है किस नाम से? खानदानी.in के नाम से। ओके, डिलीवरी होती है इसकी? कितने किलोमीटर की रेंज में डिलीवरी करते हैं आप? 5-6 किलोमीटर तक कर देते हैं। वो सर कोई मिनिमम चार्ज एक्सपेक्ट? 100-150 रुपए का होता है वो, उसमें कर देते हैं। मतलब मिनिमम ऑर्डर है कितने का है? मिनिमम ऑर्डर 100-150 रुपए का तो होना ही चाहिए। चार मतलब 10 पकोड़े तो होने ही चाहिए कम से कम। 100-150 रुपए का मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए। चलते हैं पकोड़े देखते हैं कैसे बनते हैं यहाँ पे। आ जाओ। चलो गाइज, आ चुके हैं हम पकौड़े वाली शॉप में। चलो देखते हैं, ये सारे पकौड़े हैं यहाँ पे। ये अपने ये भी पकौड़े हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे 150-200 आ जाता है। प्याज पकौड़े हैं, ये गोभी पकौड़े हैं, ये गोभी पकौड़े। दोनों में क्या डिफरेंस है भैया? एक ही है ये। एक ही है। ओके, गोभी की यहाँ पे डिमांड ज्यादा होती है। ओके, मेथी पालक। ये मेथी पालक के पकौड़े हैं। बैगन पकौड़े। ये बैगन पकौड़े। आलू टिक्की। आलू टिक्की। ये पनीर पकौड़े। पनीर पकौड़े। ओके, एंड ये सर, ये थोड़े अलग से पकौड़े लेने के, कौन से पकौड़े हैं? कमल ककड़ी। कमल ककड़ी। क्राउड देख सकते हैं आप कि कितना रश होता है यहाँ पे। ये अपने ये सारे पकौड़े हैं यहाँ पे। चलो एक दो कस्टमर से बात करके देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या मिलता है पकौड़ों में कि इतना खाने आते हैं यहाँ पे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम सनी। सनी, सर कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ पे? सर ये मैं काफ़ी साल से आ रहा हूँ, पहले मेरी एस एन में दुकान थी, 10 साल हो गए बंद हो गई। ओके, मैच 10 साल दुकान बंद हो गई, वो तब उससे पहले ही पकौड़े खा रहा, खानदानी पकौड़े वाले। ओके, जो यहाँ के पकौड़े का जवाब है वो कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे आपको। सर ऐसा पकौड़ों में क्या है इनके जो आप बार बार यहाँ पे खाने आते हैं? सर इनकी जो पीढ़ी दादा पकौड़े बनाने का तरीका होता है, एक खाने का स्टाइल होता है। ओके, जो इनका आप टेस्ट कर लोगे, आप कहीं भी नॉर्मल पकौड़े की दुकान पे चलो कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे आपको। ओके, चलो गाइस पकौड़े मैं आपको दिखाता हूँ। दुनिया के साथ ये ना जैसे प्याज वाले हैं, पनीर वाले हो गए, जैसे बैंगन हो गए, हर एक आइटम पनीर वाले पकौड़े। इनकी जो चटनी है आप कहीं पर ही ढूंढ लो, चाहे बड़े बड़े 5-स्टार होटल में ढूंढ लो, ना ऐसी चटनी ना ऐसे पकौड़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। और कहाँ कहाँ से बंदे आते हैं मर्सी गाड़ी लेके यहाँ पकौड़े खाने के लिए, उससे अलग ही बात है। चलो गाइज मैं आपको पकौड़े दिखाता हूँ यहाँ के। ये ना प्याज के पकौड़े वैसे लाजवाब है पकौड़े ये। ये यार प्याज के पकौड़े हैं। सर आपका नाम? हरीश आनंद। हरीश आनंद सर, आप प्याज के पकौड़ों के मज़े ले रहे हैं? पनीर के भी लेता हूँ। ओके, एक्चुअली क्या था, बस पनीर का आया था, सेकंड नंबर पे प्याज का आ गया, तो पहले प्याज का ही मन था मेरा भी खाने का। तो सर आप प्याज के पकौड़े अच्छे लगे या पनीर के अच्छे लगे? मेरे को दोनों ही बहुत अच्छे लगे सर। यहाँ के पकौड़ों में जो टेस्ट है वो बाकी कहीं पर भी नहीं है। सर अगर आप 10 में से रेटिंग देना चाहेंगे तो कितना देंगे आप? सर मैं तो इनको 10 में से 9 नंबर बिल्कुल देना चाहूँगा। सर एक नंबर क्यों काटे आपने? एक नंबर इसलिए क्योंकि मैं अगले नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा तो शायद हो सकता है कि 10 नंबर फिर दे दूँ। चलो थैंक यू सो मच सर। कस्टमर से बात करके देखते हैं यहाँ पे। सर आपका नाम? विनोद कुमार दास। विनोद? विनोद कुमार दास। कितने यहाँ पे पहली बार आए आप? नहीं। कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे? 3-4 साल से। 3-4 साल से। सर पकौड़े देख सकते हैं यहाँ पे, सर पकौड़े खा रहे हैं और बेबी भी साथ नहीं है। सर कौन कौन से पकौड़े खाए आपने अभी? पनीर के खाएँ, पॉपकॉर्न खाएँ और एक वो मिक्स वाले थे। तो आपको सबसे सही कौन सा पकौड़ा लगा है यहाँ पे? मुझे तो सारे पकौड़े सही लगे। तो सर अगर 10 में से आप रेटिंग देना चाहेंगे तो कितना देंगे आप जी? अगर 10 out of रेटिंग देना चाहेंगे तो कितना देंगे? 10 देंगे हम। 10 देंगे जी। गाइस आप देख सकते हैं 10 में से 10 रेटिंग मिली है इस शॉप को। सर आप ऑलवेज आते हैं यहाँ पे?
हाँ बराबर, जब भी पकौड़े खाना हो तो यहीं पे आते हैं। चलो सर, थैंक यू सो मच सर। चलो गाइस, पकौड़े आ चुके हैं, जैसा आप चेक कर सकते हैं ये पकौड़े मैंने मंगाए हैं। ये साथ में अंकल की दुकान के बगल में चाय की दुकान है, तो चाय लिया है वहाँ से। ये इसकी चटनी है, थोड़ा पास से लो, ये इसकी चटनी है। चलो मैं आपको चेक करके बता दूँ उसका टेस्ट कैसा है। ये है अपने प्याज के पकौड़े, देखने में तो यार यम्मी लग रहे हैं मेरे को। चलो चेक करके बताता हूँ। अगर आप ऐसा कभी भी आ रहे हैं शॉपिंग करने के पर्पज़ से भी आ रहे हैं तो इस शॉप को ज़रूर ट्राई कीजिए। मानसून वैसे भी स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होने वाला है, तो शॉपिंग के बहाने आपके पकौड़े भी चल जाएंगे। थैंक गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्योंकि आज गर्मी बहुत थी, राइट? तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी मेरे नई नई वीडियोज़ की। तो आगे यार बहुत मज़ेदार वीडियोज़ आने वाली है स्ट्रीट फूड की एंड रेस्टोरेंट की, तो आप आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए देखने के लिए। थैंक यू। बाकी सारे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब सही दूध दही।